खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सीधे रुख करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। कहते हैं जो इनकी ये केवल चुनावी चाल है, और जहां तक बीएसपी का सवाल है तो अक्सर चुनाव के समय में ये देखा जाता है कि विरोधी पार्टियां खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों को गुमराह करने के लिए अपने हर प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करने के साथ साथ ऐसा आभास देने का भी पूरा पूरा प्रयास करती हैं कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जो पार्टी व मूवमेंट के हित में बनाई गई संपत्ति है वह गैर ईमानदार तरीके से अर्जित की गई है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी भी आजकल अपने भाषणों में इसे कुछ ऐसा ही चुनावी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जबकि बीएसपी मूवमेंट ने ऐतिहासिक तौर पर काम करते हुए लेने वालों को देने वाला समाज भी बनाया है, और हमारे मूवमेंट के पास जो भी संपत्ति है वह सब इन्हीं के ही देन है। ये कोई बीजेपी आदि की देन नहीं है, बल्कि बीजेपी तो वंचितों को और ज़्यादा वंचित रखने व उनसे उनका आत्मसम्मान व स्वाभिमान छीनने वाली पार्टियों में से एक पार्टी है, ये सभी जानते हैं। और अब पीएम श्री नरेंद्र मोदी अपने सभी शालीनताओं को भी ताक पर रखकर बीएसपी को बहन जी की संपत्ति पार्टी कहते हुए बिल्कुल भी शर्माते नहीं हैं, जबकि बीएसपी इसके संस्थापक व जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी की उसी प्रकार से विरासत है जैसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हर संघर्ष व मूवमेंट हुआ करता था। इसलिए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जो कुछ भी है वह उसके समाज व शुभ चिंतकों का ही दिया हुआ है तथा सब कुछ खुली किताब की तरह जनता व सरकार के सामने है, जिसके संबंध में कानून का पूरा पूरा पालन करते हुए टैक्स आदि भी पूरी ईमानदारी से ही जमा कराया जाता है। इसके अलावा खुद को पाक साफ व दूसरों को गलत व भ्रष्ट समझना इनकी एक बीमारी भी है। हालांकि पूरे देश को ये मालूम है कि सबसे ज़्यादा बेनामी संपत्ति वाले भ्रष्ट लोग बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन पीएम श्री नरेंद्र मोदी केवल कागजों पर ही ओबीसी की तरह दिखाने के लिए ही ईमानदार हैं। इसके साथ ही बीजेपी व पीएम श्री नरेंद्र मोदी वास्तव में हैं कुछ, लेकिन जनता के समक्ष कुछ और बनने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं तथा इनका हर हिसाब किताब कालीन के अंदर छिपा रहता है। इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने बीएसपी के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में हर कोशिश की है ताकि हमें बदनाम किया जा सके, लेकिन अंत में इनकी तमाम कोशिशें विफल ही रही हैं, क्योंकि हमारा सब कुछ हिसाब किताब पक्का व खुली किताब की तरह है, जबकि इनका वास्तव में नोटबंदी का सबसे बड़ा घोटाला बताया जाता है। ये आम चर्चा है जो सही मायने में जांच का विषय भी है। इसके साथ ही विदेशों से काला धन नहीं ला पाने के पीछे भी इनकी क्या राजनीति है ये देश अच्छी तरह से जानता है। जहां तक विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी नेतृत्व को दलित की नहीं बल्कि दौलत की बेटी कहकर आरोप लगाने का सवाल है, तो ये भी ऐसा वही लोग कहते हैं जिनकी मानसिकता दलितों के प्रति शुरू से ही घोर जातिवादी है तथा ये लोग सदियों से पीड़ित शोषित समाज को थोड़ा भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वास्तव में ऐसी संकीर्ण
व घिनौनी मानसिकता रखने वाले लोग ही जहां दलितों व पिछड़ों को मिलने वाली आरक्षण की संवैधानिक सुविधा का विरोध करते हैं, जिसमें बीजेपी नंबर वन पर है। इसके साथ साथ ये भी सर्वविदित है कि मैं 4 बार यूपी की सीएम रही हूँ, लेकिन मेरी विरासत इतनी पाक साफ तथा जनहित व विकास एवं अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में भी इतनी ज़्यादा शानदार रही है, बेहतरीन रही है कि लोग उसकी तारीफ आज भी करते हुए थकते नहीं हैं। जबकि पीएम श्री नरेंद्र मोदी मुझसे ज़्यादा समय तक गुजरात के सीएम जरूर रहे हैं, लेकिन उनकी विरासत ऐसी है जो न केवल उन पर बल्कि बीजेपी पर तथा देश के सांप्रदायिकता के इतिहास पर एक बोझ व काला धब्बा भी है। जबकि बीएसपी की सरकार ने विकास के मामले में हर स्तर पर यहाँ उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया है। लखनऊ की सूरत को खूबसूरत ही नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए हैं, जिसके बल पर ये आंकलन किया जा सकता है कि जनहित व देश हित के मामले में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी ज़्यादा फिट है तथा इनकी तुलना में पीएम श्री नरेंद्र मोदी कितने ज़्यादा अनफिट हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त व अराजकता से मुक्त रहा है, जबकि श्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का ही नहीं बल्कि इनका प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्यकाल हर प्रकार की अराजकता, संकीर्णता, हिंसा, तनाव व अफरा तफरी, द्वेष व घृणा आदि से ही भरा रहा है। इन कारणों से इनके बारे में ये कहा जा सकता है कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करने में वे विफल ही रहे हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आपने सुना, एक बार फिर हमलावर हुई वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर।